इंडिया टुडे सी वोटर का एक नया सर्वे सामने आया है। ये सर्वे बताता है कि एनडीए को 43% और इंडिया अलायंस को 41% लोगों की पसंद मिल चुकी है। इसका मतलब कि इंडिया अलायंस सिर्फ 2% वोटों से अब पीछे है। मैं दावे के साथ कहूंगा कि जैसे जैसे देश के आम चुनाव नजदीक आएंगे, 2024 तक इंडिया अलायंस ये 2% भी पार करेगा और एनडीए से बहुत ज्यादा आगे, लगभग 10% आगे जाएगा, ऐसा मेरा दावा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी फूट की राजनीति करती है, महाराष्ट्र में शिवसेना में फूट की राजनीति की, एनसीपी में फूट की राजनीति की और देश के अन्य राज्यों में सरकारों को फोड़कर अपनी सरकार बनाने की जिस प्रकार से एनडीए ने कार्रवाई की, बीजेपी ने कार्रवाई की, वो लोगों को पसंद नहीं। मैं दावे के साथ कहूंगा कि आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, एनडीए का प्रतिशत कम होता रहेगा और इंडिया अलायंस का प्रतिशत बढ़ता रहेगा। आने वाली लोकसभा और विधानसभा में इंडिया अलायंस का ही परचम लहराएगा।